हिना साहब की आरजेडी में कितना वजूद है और कितना सम्मान है साहबुद्दीन साहब जो सिवान से सांसद हुआ करते थे उनके बदौलत आरजेडी वास्तव में खड़ी हुई है जब घर से वो निकल गई तो उनका घर याद आ रहा है उनका सम्मान याद आ रहा है भाई से मुस्लिम का मोह भंग हो चुका है मुस्लिम समाज जो है अब ये समझ गया है कि अब हम आरजेडी के बंधुआ वोटर नहीं हैं मुस्लिमों का कोई सम्मान नहीं है आर में मुस्लिम नेताओं की कोई पूछ नहीं है घबराए हुए हैं कि हिना साहब बगावत कर रही हैं और मुस्लिम जो है भाजपा की तरफ जा रहा है मैं ये कहता हूँ गोपालगंज में जो भाजपा का जीत हुआ है उपचुनाव में उसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो राजनीति में अच्छी पकड़ भी रखते हैं और बिहार में भी अब धीरे धीरे सक्रिय नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे इनसे और जो है हीना साहब है हीना साहब का भी एक दौरा चल रहा है उस दौरे को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे और यहाँ पे एक हमारे स्पीकर हैं सिवान के और बिहारी चौधरी सर उन्होंने बोला है कि हिना साहब को बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव सम्मान करते हैं उसको लेकर भी, भी बात करेंगे कि इनका क्या है ये किस तरह से उसको देखते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद एक हमारे जो औध बिहारी चौधरी सर हैं उन्होंने बोला है कि हिना साहब को आर में ही पार्टी में ही है और उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है आर पार्टी में कैसे देखते हैं देखिए ये तो आर का इंटरनल मामला है हिना साहब हों या अवध बिहारी चौधरी हों वो तो उनके अपने घर की बात है उनकी आपस की लड़ाई है लेकिन आज पूरा बिहार जानता है कि हिना साहब की आर में कितना वजूद है और कितना सम्मान है साहबुद्दीन साहब जो सिवान से सांसद हुआ करते थे उनके बदौलत आर वास्तव में खड़ी हुई है लेकिन उनके जाने के बाद उनके इंतकाल के बाद जो रिस्पेक्ट पार्टी में हिना साहब को मिलना चाहिए था वो रिस्पेक्ट नहीं मिला आज वो बेचारी बेवा औरत दर दर भटक रही है पूरे बिहार में भटक रही है घूम रही है और लोगों से संपर्क कर रही है जब वो महिला निकल पड़ी सड़कों पे, तो आज अवध बिहारी चौधरी जी कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आर में सम्मान दिया जा रहा है बहुत सम्मान मिलता है सम्मान तो साफ सबने देखा है क्योंकि उनको तो शायद राष्ट्रीय कार्यकार्य उनकी जो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनसे भी निकाल के बाहर कर दिया गया है तो ये तो सम्मान पूरे बिहार को पता है कि क्या उनको सम्मान दिया जा रहा है अब वो उनका अपना मैटर है वो कुछ भी करे उनको क्या कर सकते हैं इस पर तो राज्यसभा को लेकर के जो है पहले तो कभी उन्होंने बड़े नेताओं से बात भी नहीं की कि हमको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक साहबुद्दीन साहब थे जिन्होंने पार्टी के लिए जो है क्या से क्या नहीं किया और बिहार में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा जाता है तब उनके कार्यकर्ता जो है नाराज़ हो जाते हैं कि आखिर जो शाबुद्दीन साहब जो थे ये आर पार्टी के लिए इतना कुछ किए और आज उन्हीं के जो वाइफ हैं उनको जो है राज्यसभा टिकट नहीं भेजा भेजा जाता है उसको लेकर के बहुत सारे जगह जो है इसका विरोध भी हुआ और हिना साहब ने भी उस समय बोला था कि हम जो है छब्बीस जून का शायद समय था उस टाइम में बोले थे कि हम आर में नहीं है तो आज फिर आपको क्या लग रहा है कि जब दौरा पर घूमना चालू हुए तो फिर अब आर जो है उनको अब अपने पास मिलाना चाहती है देखिए आर का तो शुरू से सिद्धांत रहा है कि आर जो है ये कह सकते हैं कि राज्यसभा में भेजने की बात जब आती है तो किस तरीके से राज्यसभा वो लोग भेजते हैं ये पूरे बिहार को पता है और आर जे डी की टिकटें किस तरीके से मिलती हैं वो सबको पता है तो ऐसे में बेचारी हिना साहब को उन्होंने मुझे लग रहा है कि आश्वासन दिया था क्योंकि मैं भी सीवान ज़िला से बिलोंग करता हूं और जहां कहीं भी लोगों के बीच जाना होता है मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा निराशा रहता है और वास्तव में हिना साहब को मिलना भी चाहिए था एक बार राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था कि जिस तरीके से उनकी पार्टी में पकड़ और उनके उनके पति का उनके हस्बैंड का साहबुद्दीन साहब का उनकी राजद के प्रति वफादारी और राजद के लिए वो लड़ते आए अंतिम समय तक लेकिन जो रिस्पेक्ट राजद में उनको मिलना चाहिए था हिना साहब को वो रिस्पेक्ट वास्तव में नहीं मिला और जिस कारण वो बेचारी महिला जो है आज जगह जगह पूरा एकदम से घूम रही है अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का प्रयास में वो और उनका एक बेटा है वो लगे हुए हैं लेकिन जब वो घर से बाहर निकले हैं तब अवध बिहारी चौधरी जी को भी ये बयान देने की बात है ये सुनने को मिल रहा है तो ये किस सम्मान की बात करते हैं और ये भी बताएं कि क्या सम्मान दिया गया है सिर्फ आज ये अब उनके अंदर ना भय हो गया है कि मुस्लिम वोट जो है बिहार का जो मुस्लिम वोट जो है जिनके ऊपर वो राज करते थे आज मुस्लिम वोट वास्तव में चारों तरफ जा रहा है अकेले पहले होता था, था कि 100 परसेंट मुस्लिम वोट जो है आर आरजेडी को ही मिलता था लेकिन आज जो है मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ भी बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा अगर सत्य हो रहा है भाजपा की तरफ ये देख के वो लोग अब घबराए हुए हैं कि हिना साहब बगावत कर रही हैं और मुस्लिम जो है भाजपा की तरफ जा रहा है मैं ये कहता हूँ गोपालगंज में जो भाजपा का जीत हुआ है उपचुनाव में उसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था मुजफ्फरपुर में जो उपचुनाव हुआ वहाँ पे मुस्लिम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था तो ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज जो है अब ये समझ गया है कि अब हम आर के बंधुआ वोटर नहीं है मुस्लिमों का कोई सम्मान नहीं है आर में मुस्लिम नेताओं की कोई पूछ नहीं है जिस कारण से मुस्लिम जब इधर उधर जाने का प्रयास कर रहा है इधर उधर सट रहा है तो अब ये घबरा के अवध बिहारी चौधरी साहब जो सिवान जो मुस्लिम बहुल एरिया है अपना वोट बैंक बचाने के लिए उनको यह लग रहा है कि हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा अगर मुस्लिम उनको वोट देना बंद कर दे तो वो भी जितना उनका भी संभव नहीं है तो अब आज उनको हिना साहब के बारे में बयान दे रहे हैं बहरा लो उनकी अपना इंटरनल मामला अब हिना साहब इस बयान इस विषय पर ज़्यादा बढ़िया बोल बता सकती हैं लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि हिना साहब के सबको जो मिलना चाहिए था आर में उनको नहीं मिला वो बेचारी महिला जो है दर दर भटक रही है अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए आपको क्या लगता है फ्यूचर में जो है किस तरह के एक्शन लेंगे तो अच्छा रहेगा देखिए ये हिना साहब का विज़न है ये हिना साहब डिसाइड करेंगे वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है हमारा उनसे दूर दूर तक वास्ता नहीं है आपने सवाल किया ये इस सवाल का जवाब तो हिना साहब ही दे सकती हैं हमने तो एक ही एक हमारे ज़िले की हम, हमारा भी सिवान जिला है साहबुद्दीन साहब का भी सिवान जिला है तो जिस कारण से आम जन लोगों की जो बातें आती हैं उसमें मैंने आपको बताया कि भाई आर से मुस्लिम का मोह भंग हो चुका है और मुस्लिम पूरे बिहार में मेरा पूरे बिहार में जाना हो रहा है मैं जा रहा हूँ पूरे बिहार में मुस्लिम जो है बीजेपी की तरफ अग्रसर हो रहा है बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा रहा है और दूसरी पार्टियों की तरफ अपना मुंह बढ़ा रहा है अपना रुख कर रहा है दूसरे की तरफ आरजेडी में मुस्लिम अब सौ प्रतिशत जो आरजेडी वाले कहते थे ना समीकरण था वो समीकरण एम वाई समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और उनको अब ये लग रहा है कि हिना साहब जिस तरीके की यात्रा कर रही हैं वो जो बाकी बचा खुचा मुस्लिम है वो भी हमारे हाथ से निकल जाए तो अब चौधरी साहब बयान दे रहे हैं एक और उनके किसी नेता का भी बयान आया है कि लालू यादव आएंगे विदेश से तो जाएंगे उनके घर हिना साहब के अब आज याद आ रहा है हिना साहब का घर जब वो घर से तो निकल तो गई जब घर से वो निकल गई तो उनका घर याद आ रहा है उनका सम्मान याद आ रहा है वास्तव में आरजेडी किसी मुस्लिम का सम्मान नहीं करती है किसी आप एक मिसाल बताइए ना किसी मुस्लिम गरीब कार्यकर्ता को आरजेडी ने बढ़ाया हो बताया आ, जाता एक, एक कि रावड़ी देवी को जो है या सॉरी मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का था वो सा, डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब का था देखिए जगजाहिर है सिर्फ उन्हीं को नहीं हम तो ये कहेंगे लालू यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने में साहबुद्दीन साहब का योगदान था उस टाइम वो उस टाइम के वो बाहुबली नेता थे जिस तरीके की के वो सियासत करते थे लालू लालू यादव को पूरा उन्होंने सपोर्ट दिया उनके जब तक वो पूरे अपने कह सकते हैं ना अपने जोर पे थे लालू यादव मुख्यमंत्री बनते आए और उनके जो भी कुछ हुआ आज लालू यादव और लालू यादव का परिवार जो है उनके तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा है यहीं आप खुद गोपालगंज में उपचुनाव था उस चुनाव में हम भी आए हुए थे अपनी पार्टी की प्रचार पर, कर रहे थे उस समय हिना साहब को इस चुनाव में पूछा भी नहीं गया था तो सम्मान की बात कहाँ से रही आज आज अब उनको ये उनको ये विश्वास था कि मुस्लिम नेताओं के बगैर भी हम जो है चुनाव जीत जाएंगे या हमारा अस्तित्व तो बचा रहेगा तो जब मुस्लिम नेताओं को आप छोड़ दीजिएगा अपनी पार्टी में तो कौन मुस्लिम आपके साथ जाएगा कौन मुसलमान आपके वो वोट करेगा वोट घसक रहा है एकदम घसक रहा है तब तो उनको याद आया कि भाई हिना साहब के घर जाना है अब हिना साहब तो घर छोड़ के निकल चुकी है ना मैदान में तब तो उनको लग रहा है अब उनको ये दिख रहा है कि हिना साहब उधर मैदान में निकल गई हैं भाजपा के साथ मुसलमान जा रहा है और दूसरी पार्टियों में मुसलमान जा रहा है तो अब तो हम खत्म हो गए तो अब कह रहे हैं कि जाके अब इस तरीके की बयानबाजी हो रही है पहले बयान नहीं आया पहले पूछा नहीं गया ये सब पूछना चाहिए था तब नहीं पूछा अब अब जो है अब जब अब घसक रहा गया बचा नहीं है आज चुनाव करा ले आज विधानसभा चुनाव करा, करा के देख ले कह दे नीतीश कुमार जी के दोबारा चुनाव होगा हटा दे सब भंग कर दे विधानसभा को भंग करवा दे चुनाव करवा के देख ले उनको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कितना मुसलमान आर के साथ है और कितना मुसलमान उन लोगों के साथ जा रहा है मुसलमान आर के साथ बिल्कुल नहीं है मुसलमान के अंदर मुसलमान को आर ने हमेशा गुमराह किया है उनके वोट पे राज किया है जो मुस्लिम समाज को आर जे में इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत और सम्मान नहीं मिला वोट सिर्फ वोट देते रह गए और मुस्लिम नेताओं को सम्मान हमें तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि वो एक एग्जाम्पल बता दें कि एक गरीब मुस्लिम कार्यकर्ता को उन्होंने विधायक एम पी या राज्यसभा में भेजा हो एक भी आदमी का मिस नाम बता दें हमें कि ये गरीब परिवार से आया उसको हमने राज्यसभा भेज दिया हम भेज दिया गया तो खुद अपने वही हम बता रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा जाने वाला भी गरीब होता है विधानसभा जाने वाला भी गरीब होता है लोकसभा जाने वाला भी गरीब होता है किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे के भेज सकती है जम्मू से एक मुस्लिम गुज्जर परिवार के मुस्लिम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा भाजपा ने उस परिवार का आप जाके देखिए कि वो ढंग से उसका घर भी नहीं है उसके ज़िले में ऐसे आदमी को भाजपा मुस्लिम ने मुस्लिम का भाजपा कार्यकर्ता को वो हमारे बीच के कार्यकर्ता थे बहुत जगह हमारे से मिलना जुलना रहता था उनको राज्यसभा भेज दी भाजपा इन, इन ये एक मिसाल बताए ना कि किसी गरीब मुस्लिम को राज्यसभा भेजा हो या विधान परिषद भेजा हो जाएंगे भी तो पैसे वाले जाएंगे धन धन बल वाले जाएंगे तो ये इंसाफ नहीं होता है मुसलमानों के साथ ये आर हमेशा जो है मुसलमानों के वोट पे राज किया और मुसलमानों के सम्मान ना देने का काम करती है और कुछ नहीं आप अपना राय जो है दे सकते हैं कि आपका क्या कहना है क्योंकि अब आरजेडी जो है अब धीरे धीरे बोल रही है कि हिना साहब क्योंकि इससे पहले भी एक बयान आया था और अभी भी आ रहा है कि हिना साहब को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वो उनका बहुत सम्मान करते हैं आप किस तरह से देखते हैं इसको जरूर बताइएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद